सो हेलो गाइस, कैसे हो भाई लोग? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो पे आप लोग टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा, आज मैं मेरा कलेक्शन दिखाऊंगा। मेरा जो हेडफोन्स है हर टाइप्स का, ज़्यादा कुछ बहुत ही ज़्यादा हेडफोन्स नहीं है, ऐसे ही 6-7 हेडफोन्स है, तो वही मैं आज इस वीडियो पर दिखाऊंगा। तो उसके साथ उसका स्पेसिफिकेशंस भी जल्दी जल्दी बोल दूंगा। तो वीडियो के साथ बने, मेरा नाम रोहित, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस देख सकते हो, सारे हेडफोन मैंने यहाँ पे रेडी कर चुका हूँ। तो सारे मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। पहले लास्ट वाला से पे आते हैं, जो कि है HB के तरफ से आपका ये हेडफोन आपको देखने के लिए मिलता है, और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 100 रुपीज़। ये सबसे लोएस्ट आपको देखने के लिए मिलता है, देख सकते हो HB यहाँ पे ब्रांडिंग दिया हुआ है। और हेडफोन की डिज़ाइन की बात कर रहे तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा एक डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है, देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो 3.5 mm जैक, यहाँ पे आपको ऑन ऑफ पॉज प्ले का स्विच, और इसका क्वालिटी थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, बट इस प्राइस रेंज पे इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है। इसका बास आपको क्लियर देखने के मिलता है, और 100 रुपीज़ प्राइस पे मेरे को यही सबसे बेस्ट लगा। तो ये था हमारा फर्स्ट हेडफोन 100 रुपीज़ का। अभी हम आते हैं हमारे सेकेंड पे, जो कि है बोट का एक ईयरफोन्स, देख सकते हो। इसका मैंने अनबॉक्स किया है चैनल पे, जो भी अभी तक नहीं देखा। इसका को ईयर बड्स देखने के लिए मिलता है, केस आपको देखने के लिए मिलता है, और इस पे आपको जो मेन इसका चीज़ है वो आपको ये पूरा मेटल आपको देखने के लिए मिलता है, यही इसका एक यूनिक चीज़ है। यहाँ पे भी आपको पूरा आपको मेटल फिनिश के साथ ये आता है, और वायर आपको फ्लैट केबल के साथ आता है। यहाँ पे आपको पॉज एंड प्ले देखने के लिए मिलता है, और हेडफोन आपको एल शेप देखने के लिए मिलता है, जिस पे आप गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक चीज़ होगा, क्योंकि जब आप हेडफोन ऐसे लगा के आप गेम खेलोगे तो प्रॉब्लम होता है, बट ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ किया है। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मेटल देखने के लिए मिलता है। तो ये था हमारा सेकेंड फोन ईयरफोन बोट की तरफ से। अभी हम आते हैं हमारे एक यूनिक हेडफोन पे, हेडफोन नहीं, ये आप सिंगल ईयर हेडफोन बोल सकते हो, जो कि है U&I का टैग सीरीज UIBM2664 वायरलेस मिनी ईयरफोन्स, 4 आवर्स बैकअप देता है। और साउंड क्वालिटी की बात करें, ये भी बहुत ही बढ़िया है, ये आपको 4-5 घंटे आराम से चल जाएगा। वायरलेस V4.1 है, स्पीकर 32 पेयर है, माइक्रोफोन सेंसिटिविटी 42 डेसिबल है, और रियल प्राइस देख सकते हो 1200। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 450, और पहले जो ये बोट का दिखा था इसका प्राइस मुझे पड़ा था 500 रुपीज़। तो इसका पहले खोल के दिखा देता हूँ, ऐसा आपको पैकेजिंग है और कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। ये जो आपका पहले ईयरफोन है, इस पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, पॉज एंड प्ले, कॉल रिसीव सब यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे इसके साथ आपको एक पैकेट देखने के लिए मिलता है, पैकेट के अंदर आपको जो आपका चार्जिंग केबल USB टू माइक्रो USB, और इसके साथ आपको एक ईयर होल्डर, और इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा ईयर टिप। क्वालिटी की बात करें, इस पे आपको बास अच्छा देखने को मिलता है, बट अगर आप 100 वॉल्यूम पे करोगे तब इसका साउंड थोड़ा सा फटने लग जा रहा है, बट इस प्राइस रेंज पे ये बहुत ही बेस्ट है। अभी हम आते हैं हमारे ब्लूटूथ इम्पल्स डुअल ड्राइवर स्टेरियो सेट, जो कि है नेक बैंड। इसका प्राइस है 1500 रुपीज़, अमेजोन पे ख़रीदा है। तो इसका यहाँ पे देख सकते हो 150 स्टैंड बैक टाइम है, प्ले वार्स है 5 आवर्स,
चार्जिंग टाइम है 1 to 2 आवर्स, ब्लूटूथ 5.0 है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है, 130mAh की बैटरी, बिल्ट इन माइक्रोफोन है। तो इसको भी हम खोल लेते हैं। ये देख सकते हो, ऐसा आपको पहले हेडफोन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा फ्लेक्सिबल देखने के लिए मिलता है, देख सकते हो ये पूरा आपको फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे आपको टैग का ब्रांडिंग, इस साइड पे आपको वॉल्यूम प्लस माइनस पॉज, कॉल रिसीव का बटन, और यहाँ से आपको चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग चाइना दिया हुआ है। क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। इस पे आपको इस फ्रंट पे आपको मैग्नेट देखने के लिए मिलता है, देख सकते हो। और बास एंड साउंड क्लियरेशन इस पे आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। बॉक्स के अंदर और कुछ देख लेते हैं। इसके अंदर आपको ईयर टिप्स देखने के लिए मिलता है, चार्जिंग केबल, माइक्रो यूएसबी, 2 USB, और कुछ पुस्तक जो आप यूज़र मैनुअल बोल सकते हो, और थैंक यू कार्ड जो भी है। तो ये था टैग इम्पल्स वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट। इसको हम साइड पे रखते हैं। अभी हम आते हैं हमारे हेडफोन्स पे, बीस्ट हेडफोन्स। पहले हम आते हैं हमारे जेब बैंक की तरफ। देख सकते हो ये है जेब्रोनिक्स का जेब बैंक ब्लूटूथ वायरलेस देखने के लिए मिलता है। स्पेसिफिकेशंस है BT ईयरफोन्स, BT V5.0 ऑक्स कॉल फंक्शन, मीडिया वॉल्यूम, और ये आपको फोल्डेबल डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको कलर्स भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से पहले हम खोल लेते हैं। तो ये मैंने खोल लिया है, और यहाँ से आपको ओपन करना होता है। तो बॉक्स के अंदर आपको केबल देखने को मिलता है, USB to Micro USB। इसके साथ आपको फिर से यूज़र मैनुअल, और आता है आपका मेन हेडफोन। कलर की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा कलर देखने के लिए मिलता है, वाइट के साथ ग्रे, रेड के साथ ब्लैक, और भी बहुत सारे कलर। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट बोल के दिया हुआ है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रिंटिंग ऐसा क्यों है, बट यही ऐसा ही प्रिंटिंग है इसका। और यहाँ से आपका फोल्ड हो जाता है ऐसे करके, तो ये और भी कॉम्पैक्ट हो गया है। यहाँ पे आपको पॉज, प्ले, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, और ये मैंने ख़रीदा है 1000 रुपीज़ पे। इसका भी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है इस प्राइस रेंज में, साउंड क्वालिटी के साथ बास क्लियरेशन। अगर आप 100 पे भी वॉल्यूम जाते हो, फिर भी आपका क्वालिटी साउंड क्लियरिटी आपको पूरा क्लियर एंड क्रिस्टल देखने के लिए मिलता है। पीछे आपको जो जाली है, या आपको मेटल पे देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है जेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग। और कुशन आपको बहुत ही सॉफ्ट है, कान पे दर्द नहीं होगा। तो ये था हमारा जेब्रोनिक्स जेब बैंक। अभी हम आते हैं हमारे एक बहुत ही बेकार एक हेडफोन जो बोल सकते हो, जो कि है फिंगर स्काइप 10। ये भी मैंने अनबॉक्स किया था। क्वालिटी की बात करें बहुत ही बेकार है इस प्राइस रेंज पे। इसका मुझे प्राइस पड़ा है 700 रुपीज़। और यहाँ पे ये जो देख सकते हो, ये मैंने खुद के खुद लगाया है, क्योंकि ऐसे ये देख सकते हो, ऐसा हेडफोन कभी देखा है ऐसे? एक तो पूरा आपको स्ट्रेट हो जाता है, जब आप कान पे पहनोगे ये गिर जाता है। तो इसलिए मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किया है। साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज पे, तो और भी बेटर हो सकता था इस प्राइस पे। तो ये था फिंगर्स का F10, जो कि पड़ा है 700 रुपीज़। और JBL क्वांटम 100, इसका प्राइस है 3000 रुपीज़। क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, बास क्लियरेशन, गेमिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, फुट स्टेप्स आपको बंद देखे बहुत ही अच्छे से सुनने के लिए मिलता है। इसमें आपको हेडफोन जो है ये आप रिमूवेबल कर सकते हो, और ये जो जगह है ये बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपको कान यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है। और कुशन की बात करें बहुत ही आपको सॉफ्ट देखने के लिए मिलता है ऊपर के साइड भी। और यहाँ पे आपको माइक्रोफोन ऑन एंड ऑफ का बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस का रोल बटन, और ये आपको यहाँ पे फोल्ड हो जाता है ऐसे। और भी एक हेडफोन है जो कि है बोट का
पैकेज है बट हेडफोन है इन्फिनिटी बाय हारमान क्वांटम 100। चेक तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी का ब्रांडिंग और ये मैंने दिखा दिया था, ये पूरा फ्री में पड़ा है। इसका प्राइस है 800 रुपीज़ बट मैंने ख़रीदा है फ्री पे। इस पर आपको ऐसे कुछ ईयर टिप्स और क्लिप और होल्डर्स आपको देखने के लिए मिलता है और इन्फिनिटी का पुस्तक यूज़र मैनुअल्स आपको देखने के लिए मिलता है। केस क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है तो, और इसका प्राइस है 800 रुपीज़। क्वालिटी की बात करें बहुत ही अच्छा आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलता है इस प्राइस रेंज पे। तो मैंने जो भी हेडफोन्स आज वीडियो में बताए गए वही बहुत ही बेस्ट है एक्सेप्ट फिंगर्स का F10 बट बाकी सब बहुत ही बढ़िया है उसके प्राइस रेंज पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अपन नए एपिसोड में। स्टे सेफ स्टे फिट एंड बाय बाय।